हमें क्वार्टर कंप्लीट होके मिल चुका है और ये पीछे क्वार्टर है, मैं दिखाती हूँ अभी, और शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। तो एक दिन पहले ही चाबी मिल गई थी, लेकिन हमने अभी शिफ्टिंग थोड़ी थोड़ी शुरू की है और माता जी मेरी करने लगी हैं उधर। किताबें बहुत हैं मेरे पिताजी की, तो उनको जगह पर लगाना है और सामान सब लाना है। तो दिखाते हैं कैसे चल रही है हमारी शिफ्टिंग। ये हमने तकरीबन ये दो लाइन अभी किताबों की सजाई है, ये सारा हमने अभी भरना है इसको किताबों से, और यहाँ किताबों का ही काम चल रहा है। एक भाई किताबें सजा रहा है मेरी। माता जी पकड़ा पकड़ा के दे रही हैं। हेलो, सबको बुला रही है मदद करने के लिए, आओ मदद करो। इसमें अभी हमने आज पूजा किया है माता जी ने, फिर इसको भी ऊपर रखेंगे हम लोग। और ये सब रैक खाली पड़ा है, इनको भी सजाना है। ये सब है, अभी तो पूरा घर ही खाली है, किचन खाली है, सब कुछ खाली खाली है। पीछे का नजारा देखते हैं। ये है बैक, क्वार्टर का बैक। बाहर बड़ी गर्मी है, अंदर ही ठीक लग रहा है। ये हमारे पड़ोसी हैं जिनका है, पहले हमारा अलग अलग हुआ करता था, अब तो प्लास्टर करके इकट्ठा ही कर दिया है। तो ये पीछे की खाली जमीन, चलिए काम करते जाएंगे और मिलते जाएंगे। ठेले पे जा रहा है हमारे घर का सामान शिफ्ट करने के लिए। यहाँ बॉयज हॉस्टल में सामान रखा हुआ है अंदर स्टोर में, मम्मी खड़ी है गेट पे और इसके अंदर से सामान जा रहा है। और ये दो मजदूर हमारे घर के काम पे लगे हुए हैं। मजदूर नंबर 10, नाम है अभिनव। मजदूर नंबर आगे येलो, नाम है निकेत। घर के दो लड़कों को ठेले वाला बनाया है हमने। कहाँ से लाए हो तुम लोग ठेला? क्या बचपन से ठेला चलाते हैं या बड़े होकर ठेला चलाना शुरू किया? सब्जी वाला भैया, ठेले वाले भैया, क्या बचपन से ठेला चलाते हैं? कितने का भाव भैया, कितने का भाव? आलू ले ले 20 रुपए किलो भैया, 20 रुपए दर्जन। मैं किलो से नहीं बेचता, दर्जन से बेचता हूँ। 60 रुपए में एक दर्जन ठेला। उसको बोला कि ठेला कहाँ मिलेगा, तो कह रहा है हमारे गांव में मिलेगा। मैंने कहा कितने का? कह रहा है 60 रुपए का एक दर्जन। अब बोल के चला गया, ठेला चाहिए, केला थोड़ा ही चाहिए। ये समझ गया ठेला को। ठेला हमारा पहुंच चुका है, ठेले वाले भैया सामान उतार दीजिए। मालिक उतारेंगे, मालिक उतारिए भैया, आप ही उतार दीजिए। लो मालिक, ये आपका हीरा। हीरा इतना बड़ा? ये लो मालिक, सोने का पेटी। अभी कल हम लोग पूरे दिन में शाम को आने के बाद ये किया है, बस ये पापा की किताबें ही जगह पे लगाई हैं और अभी हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। एक अलमीरा में इधर, और ये देखिए पूरा घर अभी ऐसे कैसे पड़ा है, खाली खाली सन्नाटा, कुछ नहीं है। किचन में भी कुछ नहीं है, पेंटिंग्स रखी हुई हैं और हमने यहाँ पे किताबें सजाई हैं, वहाँ पे किताबें सजाई हैं और बस किताबें ही सजाई हैं और कुछ नहीं किया। काम करने के बाद हम लोग खाना खाते हैं। नहीं रहो, नहीं भी दे, नहीं भी
अभी घर में पर्दे लगाने का काम हो रहा है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक खिड़की पे पर्दे लगाए हैं और ये पर्दा आज अभी लग गया है, बेड लग गया है, सोफा लग गया है। दो दिन से हम लोग काम कर रहे हैं और घर अभी हम लोग का बिल्कुल भी बहुत अच्छे से सेट नहीं हुआ है। बस काम चलाओ मोटी मोटी चीज़ें रख दी हैं, जब अभी वो नहीं हुआ। किचन भी हो गया है मोटा मोटी सेट और इस कमरे में भी अभी सारी चीज़ें फैली हुई हैं। और ये भाई लोग मेरे पर्दा लगाने में बिजी हैं। बस छेद हो गया है फोन में पूरा छेद हो गया।